आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अब तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर आज कटिहार जिला परिवहन कार्यालय में जिला परिवहन प्राधिकारी बाल मुकुंद प्रसाद की अध्यक्षता में जिले के सभी पेट्रोल पंप मालिकों की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई, जिसमें ये निर्देश दिया गया कि अपने अपने पंप पर पर्याप्त मात्रा में आगामी चुनाव को देखते हुए पेट्रोल और डीजल रखना है। वहीं बाल मुकुंद प्रसाद ने आगे कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में लगभग 1500 छोटी बड़ी गाड़ियों का उपयोग होना है। सभी पेट्रोल पंप मालिक के साथ आज एक बैठक हम लोग कर रहे हैं, उनको एक आवश्यक दिशा निर्देश हम लोग दे रहे हैं और यह भी फीडबैक ले रहे हैं कि किस विधानसभा के लिए कहाँ किस फ्यूल के सेंटर के पास गाड़ी हम लोग भेजें, ताकि हम लोगों को गाड़ियों का जमघट और गाड़ी विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न न हो। चुनाव को देखते हुए सर ये की जाए? हाँ, चुनाव को देखते हुए, जो अभी हम लोग लोकसभा निर्वाचन 2024 है, उसी को देखते हुए हम लोग एक बैठक कर रहे हैं। ऐसे में वैसे पेट्रोल पंप से ईंधन गाड़ी में दी जाएगी जो नजदीकी बूथ पर वहां को भेजा जाएगा। आज बैठक हुई DTO साहब MBI साहब द्वारा, हम लोग सभी पेट्रोल पंप के जो हैं आए हुए हैं ओनर जो हैं अपने फ्रेंचाइजीज का, और इसमें दिशा निर्देश 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगी उसमें किस तरह किस फ्यूल पर लोग सर भेजेंगे गाड़ी, और सभी पर कहाँ कौन गाड़ी कहाँ लगेगी, उसको मद्देनज़र चुनाव को देखते हुए आज ये मीटिंग हुई और सर दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी पेट्रोल पंप पर गाड़ी को भेजा जाएगा, और जिससे आप लोग पेट्रोल डीजल जो लगे आप लोग दीजिए। सभी पेट्रोल पंप पे गाड़ी को डिवाइड करके बांटा जाएगा, और उस समय हम लोगों के पास और सभी पेट्रोल पंप के मालिक के पास पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल उपलब्ध रहेगी। इस बैठक में MVI संजीव कुमार सिंह, राहुल कुमार, त्रिपुरारी कुमार सहित कई लोग मौजूद थे।